दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं दीदी, वो बस हमें लगा कि हम काजल की कुछ मदद कर लेते हैं बस। किताबों से ज्यादा चेहरे पड़े हैं मैंने दिखे, ऐसा कुछ तो है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। साफ साफ बताओ बात क्या है और काजल कहाँ है? माँ, तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगी। क्या बात है बेटा, तू ठीक तो है ना? माँ जी, हमें आपको और सबको कुछ बताना है। दरअसल अक्षय का एक्सीडेंट एक हादसा ही था, क्योंकि कातिल का निशाना वो कभी था ही नहीं। कातिल तो रौनक सर को मारना चाहता था। रौनक, ये नहीं हो सकता। मेरे रौनक को कौन क्यों मारना चाहेगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा रौनक, ऐसा कौन है जो तुझे मारने की कोशिश करेगा बेटा? माँ, आप शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? शांत कैसे हो जाऊं रौनक? कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और तू बोल रहा है शांत हो जाऊं? कमिश्नर साहब, मैं जानकी तिवारी बोल रही हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए, लेकिन मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मेरे रौनक को मारने की कोशिश की है। जमीन आसमान एक कर दीजिए आप, लेकिन वो आदमी मेरे आंखों के सामने चाहिए, जल्द से जल्द। तेरे आंखों में आंसू क्यों है बेटा? क्या बात है, बोलना। माँ, रौनक, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज सबके सामने मुझे आपको सच बताना ही पड़ेगा, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, अपने आप से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। माँ, मैंने अक्षय की मौत के लिए आप पर शक किया। मुझे लगा कि आप और मामा जी दोनों मिलकर अक्षय को मारना चाहते थे, उसका एक्सीडेंट किया। चिंता को इल्जाम में अपने आप को लेना चाहता था, ताकि आपको बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती, मुझे माफ कर दीजिए।
आप लोग सब चले जाइए, पार्टी खत्म हो गई। एक सेकेंड, इस वक्त यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जी, जिस इंसान ने उस कातिल को देखा है, हमें वो इंसान मिल गया, और अब वही इंसान उस कातिल को पहचानने में हमारी मदद करेगा। इसलिए जो जहां है वो वही रहेगा। आइए। सभी लोग थोड़ा आगे आइए, पहचानिए इनमें से वो कौन है। इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है? मैं तो खुद हैरान हूं कि वो इंसान कोई हम में से कोई एक है। हमारे अपने ही हमें धोखा दे रहे। मैं रौनक को संभालता हूं। वो इंसान इस वक्त यहां नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां से तभी तो कोई बाहर भी नहीं गया। खैर, आप हमें वो गेस्ट की लिस्ट दीजिए, हम उसको मैच करके देखते हैं। मैं अभी लाता हूं। नरेश, आरती तुम थक गई होगी ना, चलो चलकर फ्रेश हो जाओ, अच्छा फील करोगी। जी। नीति, आरती को अपने कमरे में ले जाओ। जी भाभी। आइए। रौनक सर, आपको माझी को सबके सामने वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्यों काजल? मैंने सबके सामने माँ से माफी तो मांगी। सर, पर इससे क्या होता है? इससे सिर्फ आपका गिल्ट कम हुआ, आपके मन का बोझ हल्का हुआ, पर माझी का क्या? आपने सबके सामने उनकी ममता पर सवाल उठाए। सर, आपने एक बार भी सोचा कि माझी के मन पर क्या बीत रही होगी? मुझे लगता है इस वक्त आपको माझी के साथ होना चाहिए। ट्रस्ट मी, उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। hey, hey.
रे रे रा रे रे दादा रे 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 रा रे रे रा रे रे रा रे रे दादा रे रा रे रा रे रा रे रा I'm sorry ma मैं ऐसी लायक हूँ आप मुझे माफ कर पाओगे ना मैं आपके गुस्से के साथ नहीं जी सकता आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दो लेकिन किस बात की सजा दो रौनक क्या इसलिए क्योंकि तुमने अपनी मां पर शक किया या फिर इसलिए कि तुम मेरी जगह जेल जाने वाला था तुम मेरी दुनिया है रौनक मेरी जीने की वजह है तू बेटा अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो मुझे वादा कर रौनक आज के बाद तू कभी कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे तू मुझसे दूर हो जाएगा मैं तेरे बिना नहीं जी सकती रौनक तेरे बिना मैं टूट जाऊंगी बेटा माँ मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद अगर भगवान खुद सामने आए और आप पे उंगलियां उठाए तो भी मैं आप पर शक नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए आप ही भगवान हो तुमने अपने भगवान पे शक किया I'm sorry, माँ स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन